तुमको पहले राजनीति के पहले सीढ़ी पे काट देंगे। पंचायत में रहोगे तब जाओगे ना जिला में, तब जाओगे ना राज्य में। हर जगह समूल नष्ट करने का प्रयास। आप अगली घोषणा करते हैं, खेत में काम करने वाला मजदूर भी किसान, खेत हमर किसान तू, खेत हमर किसान तू, मजदूर कैसे किसान, समझाएगा कोई कैसे किसान? ये घोषणा कोई साधारण कार्यकर्ता प्रखंड का नहीं कर रहा है, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और हमको क्या इंतजार करना चाहिए कि ये सब लागू हो जाएगा तब हम अपने घर से निकलेंगे, तब निकलेंगे अपने घर से? या आज तक लागू हुआ है तो कौन रोक पाया है, कोई बताएगा हमको? पिछले 70 साल में एक एक करके समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप आरक्षण को हावी न किए हो, और एक शब्द, एक आंदोलन, एक आवाज कहीं हम निकले हो अपने घर से, कोई समझाए हमको? आपकी गलती का खमियाजा आज हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। आप निकले होते अगर पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में, राज्य में, देश में, तो आज इतनी दुर्गति नहीं होती हमारी, इतनी दुर्गति तो नहीं होती। मनोबल सातवें आसमान पर है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे माननीय राष्ट्रपति कहते हैं कि न्यायपालिका में एससी एसटी और ओबीसी की कम संख्या चिंताजनक है। चिंताजनक यह है कि आप उस पद पर बैठ के आरक्षण की बात कर रहे हो, यह चिंताजनक है, यह चिंताजनक है। और देश को चिंतित होना चाहिए। अगर देश चिंतित नहीं है, हमारा समाज चिंतित नहीं है, तो हम बचेंगे नहीं। आप मान लो इस बात को। जब आपको चौक चौराहे पे खड़े होके खुद को सवर्ण कहने में भर्म, शर्म और भय लगने लगे, तो समझ लेना कि आपका बचना मुश्किल है। याद रखो इस बात को, शर्म और भय नहीं है। जब तक जीवित हैं तब तक शर्म और भय नहीं है। किसी भी चौराहे पे खड़े होके कह सकते हैं कि हम सवर्ण हैं। अभिशाप नहीं है इस देश में सवर्ण पैदा लेना। अगर नागरिकता एक है इस देश में, तो फिर हमारा भी अधिकार उतना ही है जितना किसी और का है। आपने कहा था संविधान में धारा 14 से 18 समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी, कहां है समानता का अधिकार, कोई बताएगा हमको? हमको क्यों 90 नंबर, हमको क्यों 800 रुपए, हमको क्यों 90% मार्क्स ला के भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है? हम क्यों 35 साल काम करते रह जाते हैं और हमको प्रमोशन नहीं मिलता है? मेरे फादर जिस पद पर ज्वाइन किए, 36 साल बाद उसी पद पर रिटायर किए। क्यों भाई? अभिशाप है क्या सिंह सेना शर्मा उपाध्याय टाइटल? जब देश के लिए कॉलेज और स्कूल और अस्पताल के लिए जमीन देना था तब हम, जब अपना खजाना खाली कर देना था तब हम, और आज सब कुछ हो गया तो हमको काटने पे तब तुले हो? देश को लड़कर बचाने में भी हम नहीं आज तक लड़ रहे हैं ना, तो जब जब समय आया खून देने के लिए हम, और आज मौका मिल गया, तुम गद्दी पे बैठ गए तो अब हमको काट फेंको, उखाड़ फेंको, यही मंशा है सब तरफ से, सभी तरफ से, जहां जहां मौका मिल रहा है, और रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इससे ज्यादा प्रॉब्लम और कोई नहीं है, हमारे अपने लोग हैं। अभी भी 50 विधायक है ना बिहार विधानसभा में, 19 राजपूत, 17 भूमिहार, 10 ब्राह्मण, 4 काय, 27 विधान पार्षद, 10-16 सवर्ण सांसद, एक शब्द कोई नहीं बोलता है। क्यों जरूरत है हम लोगों को ये भूखे प्यासे घूमने की गांव गांव? अगर ये आपस में एक बैठक कर लिए होते और सरकार से पूछे होते कि किन आधार पर आप ये घोषणाएं कर रहे हो, तो हमको आंदोलन करने की जरूरत होती। हम लोग क्यों चुनते हैं जनप्रतिनिधि को? इसलिए ना कि हमारे अधिकार की बात कर सके, हमारे अधिकार का हनन हो रहा हो तो उसकी बात कर सके। लेकिन कौन बात करता है? हमको एक शब्द निकाल के बताइए कई 30 साल में कि कोई बोला हो ना लोकसभा में ना विधानसभा में, कहीं भी नहीं बोलता। हम और आप पटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास पटल है वो चुप है, तो हम भी चुप नहीं है। और रोकने का प्रयास हो रहा है कैसे भी करके, ये आंदोलन रोको कैसे, हमको अधिकार कैसे हो गया अपनी बात करने का? हम हैं कौन, हैं कौन जी हम, ये बात कर लेंगे, वो बात करेंगे ना हमारे लिए? तो उनका तो पेंशन है जिंदगी भर, 2 दिन के लिए भी विधायक हैं, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? वो तो जिंदगी भर पेंशन मिलेगा ना। देश के सबसे बड़े घर में जो रहते हैं उनका 5 लाख रुपया सैलरी है महीने का, बजट में प्रावधान करके 5 लाख रुपया सैलरी कर देते हो, हमारे बच्चों का क्या?
कौन बात करेगा, किसका इंतजार करें हम? कोई फरिश्ता आने वाला है क्या? आया है क्या अब तक कभी कोई फरिश्ता उतर के आसमान से नीचे जिसमें हिम्मत हो कि बात करे ये? तो इसके बावजूद तय यह हुआ है कि हम किसी का विरोध करने के लिए यहां नहीं पहुंचे, किसी का भी, चाहे आरक्षण हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे जाति हो या सरकार हो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र के उसी संविधान को जिसको आप सर्वोपरि मानते हैं वहां आपने लिखा है कि हमको भी समानता का अधिकार है, तो हम अपने उस समानता के अधिकार के अनुरूप चाहे आरक्षण हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, विकास हो या प्रमोशन हो या कानून हो, हम समान अधिकार की मांग करते हैं। कानून में आरक्षण आप देते हैं, आप कानून में आरक्षण देते हैं, आईपीसी इंडियन पेनल कोड है ना देश में, तो फिर हरिजन एक्ट क्यों चाहिए? एक थानेदार तय करेगा अपने टेबल पर कि हम दोषी हैं या नहीं है। टाडा और पोटा